तो आज 15वां दिन है किसान आंदोलन का। सरकार और किसानों के बीच अब भी संघर्ष जारी है। केंद्र के प्रस्ताव को किसानों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। वे किसानों ने नया कानून वापस लाने के लिए आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसान अब दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे पर चक्का जाम होगा। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी है। विरोध की आवाज को और बुलंद करेंगे किसान। इस पर भी अगर सरकार नहीं मानी तो बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं के घरों का घेराव करेंगे। इस तरह की जानकारी किसान आंदोलन से निकलकर सामने आ रही है। यानी आंदोलन का स्वरूप और बढ़ता जाएगा और जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं किसानों का ये कहना कि हमारी मांगों को सरकार ने सुना नहीं, माना नहीं, लिहाजा अब इस आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों को वापस करने और एमएसपी को लेकर के किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। उनका कहना है कि सरकार जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश भर में फैलेगा। और 12 तारीख को तो इन्होंने साफ तौर से कहा कि पूरे देश भर के टोल फ्री किए जाएंगे, उसके बाद धरने दिए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और 14 तारीख से अलग अलग राज्यों में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। देख सकते हैं कि किसान यहाँ डटे हुए सिंगी बॉर्डर पर। उनका कहना है कि चाहे कितने भी लंबा संघर्ष हमको करना पड़े लेकिन हम ये तीनों कानून वापस करवा करके रहेंगे। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, सरकार को ये रास्ता निकालना पड़ेगा। सरकार जो अमेंडमेंट की बात कर रही है कानूनों में वो हमको कतई मंजूर नहीं है कि पूरे के पूरे कानून वापस करने पड़ेंगे। किसान नेताओं का और आंदोलनकारियों का साफ तौर से यही कहना है कि हम लोग इसीलिए आए हैं कि यहाँ पर धरने पे और आंदोलन पे इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि ये जो किसानों के खिलाफ जो कानून है ये सरकार को वापस करना पड़ेगा और सरकार को ये रास्ता सुझाना है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हम लोग चाहते थे कि सरकार कुछ रास्ता निकाले, हमको उम्मीद भी थी लेकिन सरकार सिर्फ बातचीत कर रही है। किसान नेता सुखविंदर सिंह का भी यही कहना है, जसवीर सिंह से भी यही बात की, बाकी आंदोलनकारियों का भी यही कहना है कि सरकार जो है सिर्फ टाल मटोल कर रही है। सिवाय टाल मटोल के सरकार ने हमारी जो मांगे थी उसको एड्रेस नहीं किया। तो किसान नेताओं का कहना है कि हम लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंगल, सिंघू बॉर्डर। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, वहां पर किस तरीके की तैयारी है किसानों की, क्योंकि एक तरफ तो बातचीत विफल हो रही है, हमने ये भी देखा है किसान आगे ये संघर्ष जारी रखने वाले, कई महीनों तक का इंतजाम कर लिया गया, लेकिन इस बीच अब रणनीति क्या होगी, कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी किसानों की तरफ से? देखिये नेहा, किसानों की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि उनकी मांगे जब तक मानी नहीं जाएंगी, यानी कि जो तीन किसानों से जुड़े हुए कानून हैं उनको सरकार अगर वापस नहीं करती है तब तक वो लोग यहाँ डटे रहेंगे। मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ जहाँ किसान आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से तीन स्तरीय बैरिकेडिंग यहां पर की गई है और उस पार सारे किसान अभी भी डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि आज उनके आंदोलन का 15वां दिन है और सरकार की तरफ से जो बातचीत हो रही है उसमें टाल मटोल एक तरीके से की जा रही है, उनकी बातों को इस वक्त भी माना नहीं जा रहा है। तो यहां पर किसान जो टिकरी बॉर्डर है यहां पर डटे हुए हैं और ये जो पूरा रास्ता है ये रोहतक की तरफ रास्ता हरियाणा से दिल्ली की तरफ आता है और ये पूरा रास्ता बंद है। यहां पर जो रैपिड एक्शन फोर्स है ये पूरा लगाया गया है। तो स्थिति साफ है कि सरकार ये कह रही है कि किसानों के पास उन्होंने एक प्रपोजल जो भेजा था, हालांकि किसानों की तरफ से उस प्रपोजल को खारिज किया गया है और वो कह रहे हैं कि इसकी किसी भी बात को लोग मानेंगे नहीं।